सिग्नल आते रहेंगे, मुझे डर यहाँ पे ये होता है सिग्नल्स का बड़ा प्रॉब्लम होता है। लोगों को शौक अब लाइव वीडियो का ज़्यादा होता है ना, वो देखते रहते हैं साथ 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 साथ। अभी मैंने जाल खोल दिया, अभी ये मैं बनाऊंगा सारा, ये भी अच्छा सारा, ये पूरा यहाँ से बनेगा जोड़ों के लिए खुदे। और ऊपर पूरा टूट के तकरीबन 2.5 लाख रुपए का खर्चा है अभी। जी अस्सलाम वालेकुम, जो लोग देख रहे हैं बराए करम बताइएगा आवाज़ और तस्वीर कैसी आ रही है। ठीक है, जी चौधरी सलमान अवान साहब, जी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, क्या बात है। तस्वीर भी मेरे कबूतरों की लगाई हुई है आपने, ठीक हो गया। मंथली आई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आपका दोस्त आपका होस्ट कामरान अब्बास आपके साथ, ठीक आ रही है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मौजूद हैं जनाब उस्ताद मास्टर अबरार की छत पर कराची में, और उस्ताद शेर मोहम्मद साहब भी हमारे साथ हैं, इस वक्त आपको नज़र आ रहे होंगे। यासर अली साहब भी आ गए हैं, फुरकान नज़ीर साहब भी आ गए हैं, शहाबुद्दीन साहब भी आ गए हैं। जी बेहतरीन है, तो ठीक है जी, फिर शुरू करते हैं। मंथली आई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में नए नए बिल्कुल ताज़े ताज़े उस्ताद अबरार और उस्ताद शेर मोहम्मद साहब की छत से। अभी आपने आज ही लाइव वीडियो में देखा होगा कि इनको उस्तादी पद दी गई है, उस्ताद जफर अहमद शेख साहब के घर एक पुरतकल्लुफ जोराने में, और तमाम सीनियर असाज़ा कराम वहाँ पर मौजूद थे। और मैंने जब उनसे पूछा कि आप किस लेवल पे किस वजह से उस्ताद बनाते हैं, तो उस पर आफ्ताब भाई ने कहा कि जो 3 से 4 सीज़न अच्छे कबूतर उड़ाता है और उसमें फिर बाकी काबिलियत हम देखते हैं, तो उसको उस्तादी पग देने का अहल समझते हैं कि इसको उस्तादी पग मिल जानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, कम अज़ कम प्रैक्टिकल होता है उसके बाद वो उस्तादी पग देते हैं। और उस्ताद अबरार ने आज मोहम्मद आरिफ को अपना बाइख्तियार खलीफा किया, वो भी हमारे साथ हैं यहाँ पे। तो अबरार भाई कैसे हैं आप? ठीक है, ये मोहम्मद भाई मोहम्मद आरिफ साहब, तो इधर ज़रा अबरार भाई की तरफ आ जाओ ज़रा, पहले देखो तस्वीर सही आ रही है उनकी क्योंकि सूरज इनके बैक पर है। इधर आ जाएं, इधर आ जाएं जी, ये पीछे छत भी इनकी नज़र आ रही होगी आपको, क्या है? हाँ हाँ तारों में हो रहा, तो मुझे मैं पता नहीं क्या हो गया। अच्छा तो अबरार भाई क्या समझते हैं कि यहाँ का शौक कराची का और आप खुसूसन आपके इलाके का शौक किस तरह का शौक है? अच्छा शौक है जी। अच्छा शौक है, सही चल रहा है। तो आपके कोई इस सीज़न में कोई कामयाबी इस दफ़ा या पिछले वनडे मार दिया? वनडे इस सीज़न कराची कप में आरिफ भाई के कप में, आरिफ भाई के कप में वनडे आपने विन किया जी। अच्छा माशाल्लाह, तो क्या प्रोग्रेस थी? अच्छा माशाल्लाह, तो ये बताएंगे कि कितने बजे आपका आखिरी कबूतर बैठा? मेरा 6:37 पे बैठा। 6:37 पे आखिरी कबूतर बैठा, किस नस्ल से उस कबूतर का ताल्लुक? कमगर कबूतरों में से डबल स्टैंड में। अच्छा डबल स्टैंड के घर की में मेरे साथ साथ जो हैं बाबर भाई। अच्छा उनके घर की उस्ताद बाबर कौन से वाले? उस्ताद बाबर गौरी, बाबर भाई, बाबर कलीम, बाबर कलीम जी। ठीक हो गया जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। बाबर भाई को कौन नहीं जानता, मैंने जान के ज़रा कहा था कि ज़रा चेक तो करें, बाबर भाई भी इंशाल्लाह देखेंगे। बाबर भाई तो नहीं, खैर अभी बाबर मुफ्ती साहब, रिजवान अली, नबील कियानी साहब, मैं आपको कबूतर दिखा दूं। हाँ बिल्कुल, और आरिफ भाई के बारे में बताएं कि इनको बाइख्तियार खलीफा क्यों बनाया आप? ये बहुत अच्छा है, मेरे छोटे भाइयों की तरह है, मेरे बच्चों की तरह है। अच्छा, सिर्फ बात कबूतरबाजी की नहीं है, ये बहुत अखलाकी बच्चा है, बहुत यानी कि आप समझते हैं कि आपकी जो इज्जत रखने वाला हर जगह छोटे भाइयों की तरह बिल्कुल, और कबूतरबाजी भी अच्छी करते हैं। तो आरे भाई आपका क्या ख्याल है अपने उस्ताद के बारे में और कबूतरबाजी के बारे में? मेरा वही ख्याल है जो मेरे उस्ताद के मेरे बारे में, मेरे उस्ताद के लिए जो मेरे उस्ताद मोहतरम है, अल्लाह का शुक्र है जो भी हैं यही है मेरे उस्ताद, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, कबूतर को पलटी किस तरह किया जाता है, किस तरीके से कबूतर पकड़ा जाता है, किस तरह उड़ाया जाता है, के नाम बताएं मुझे, कबूतरों की पहचान कराई है, फलाना कबूतर है, ये फलाना कबूतर है, इसकी आँख ऐसी है तो ये इसमें जाएगा, इसकी आँख ऐसी है तो ये इसमें जाएगा, और एक लव सिखाने वाला जो है वही उस्ताद है। इन लोगों से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला और अल्हम्दुलिल्लाह शौक करते हैं जब भी उस्ताद मुझे बुलाते हैं कोई भी छोटी। अगले साल का प्लान है इंशाल्लाह बिल्कुल उड़ाएंगे, अभी तो हमारा अक्टूबर में उड़ाएंगे, अक्टूबर में उड़ाएंगे। उस्ताद शेर मोहम्मद साहब के बारे में क्या ख्याल है? साथ साथ ही पग मिली है दोनों को, बचपन का दोस्त है मेरा ये बहुत। तो उस्ताद जी आप भी तो जरा बोले ना, बताएं कुछ के अबरार भाई की शौक करेंगे गर्मी में इंशाल्लाह। तो अबरार भाई की छत के बारे में, अबरार भाई के बारे में कुछ अच्छा शौक करते हैं। अच्छा हर साल करते हैं,
सही लगाया है, अल्लाह का नाम लेके डाला है। अच्छा, छत डाली थी हमने और अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को मनवाया हमने। अच्छा, ज्यादातर किन कबूतरों का शौक है आप? मुझे ज्यादा काबली कबूतरों का शौक, पट्टी वाले भी हैं मेरे पास, लेकिन मैं ज्यादा शौक। ठीक हो गया। नबील कियानी साहब वेलकम जी, बिल्कुल पहचान गया हूँ आपको। शुएब यासीन भट्ट साहब कड़ियाँ वाला से, और जनाब उस्ताद इदरीस अमान साहब वो भी हमारे साथ हैं, हमारे मैगजीन की जान हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, शौक करवाते हैं। इदरीस भाई पहले भी आपको शौक करवाया है, वो भी ज़रूर देखिएगा। नसीम खान साहब का भी शौक हुआ है, उस्ताद शेख जफर साहब के कबूतरों का भी करवाया, अभी आज ही ये उस्ताद हुए हैं जनाब उस्ताद अबरार साहब, इनके कबूतरों का भी आपको शौक करवाते हैं और दिखाते हैं कि किस किस कैलिबर के, किस लेवल के इनके कबूतर हैं। तो हमारे छत की जान है, मेरे उस्ताद की भी जान है कबूतर। देखें लाहौर और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम तर शहरों से कोई ना कोई जरूर इस वक्त हमारे साथ है। 62 पीपल जो है हमें देख रहे हैं, और माशाल्लाह इस वक्त तमाम लोग फ्री हो चुके हैं और वो अभी देखेंगे कबूतर हमारे साथ। उस्ताद इदरीस अमान साहब लाहौर से हमारे साथ हैं। अली वाले कबूतरों का हर जगह चर्चा है, लाहौर में भी इन कबूतरों को अच्छा समझा जाता है और हर जगह ही इन कबूतरों की अपनी एक मिसाल है। इनके मुताबिक ये इनका अली वाला कबूतर जो है इनके मेन कबूतरों में से, और ये देखें जी कबूतर की आँख, वाह जी वाह, इस वक्त लाइट भी बहुत आला है, कमाल ही हो गया। इसका बाप भी दिखाऊंगा, इसका दादा भी दिखाऊंगा। क्या बात है, अली वाले का। अच्छा, ये शुरू से ही आपके पास इस हालत में है? शुरू से ये घर का पट्टा है। में कितने अरसे से ये कबूतर आपके पास? 10 साल हो गया ये घर का पट्टा, 10 साल हो गया। वाह जी वाह, इसका बाप, क्या बात, 8 साल तो ये मेरे, यानी कि आपके पास काफी पुरानी ये सेव हुई हुई है नस्ल। अच्छा, ये आए कहाँ से थे? ये सियालकोट से आए। अच्छा, नहीं आप खुद लाए थे? मतलब आप खुद लाए? अच्छा, फायर रोड जा और से भी लाया हूं मैं। अच्छा, तो ये इसकी मादा है, ये भी इसी ब्लड में? वाह वाह, 89। अबरार भाई की छत पे जरा मजा आ जाए अगर तो, 100 टच हो जाए तो उम्मीद है हो जाएगा। जबरदस्त, हम देखना चाहेंगे ये जो अली वाला कबूतर है, इसके माँ बाप ये मेरे ख्याल अंडा देने पे आई है, अभी कुरीश में। बहुत ही जबरदस्त कबूतर है जी ये कबूतर, बहरहाल कबूतर कबूतर है, मजे का कबूतर है। और उसके खड़े होने का अंदाज ही खराब हो गई है। ये वाला ये लाहौर से आया कबूतर है, आंख इसकी खराब हो गई, कोई बात नहीं, दूसरी आंख साले में हम आपको दिखाते हैं। कमगर कबूतर है ले जी, कमगर कबूतर देखें, यूं दिखाता हूँ, ये फाइट करने से इसकी आँख खराब हो, कोई बात नहीं, दूसरी आँख से है, हम ये दिखा देंगे। ये देखें जनाब उस्ताद इदरीस अमान साहब, आप भी बड़े कमगर रखते हैं, तो आपको भी ज़्यादा ऑब्वियसली जिन लोगों को ज़्यादा जो जिस ब्लड का शौक होता है वो उसके बारे में ज़्यादा अच्छा जानते हैं, पहचानते हैं। तो आप लोग देखें, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ, मुझे तो ऐसे कबूतर जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आप लोग जो हैं सिर्फ उसकी नस्ल जो है आप खुद से देख सकें, आपको खुद भी ऑब्वियसली पहचानें। किसने कहा जी अली वाले कबूतर का शौक है मुझे? बाबर मुफ्ती साहब और आएंगे अभी अली वाले। ये आएगी ये सियालकोट से बटेरी, ये बटेरी। सियालकोट से आई भी मादा जी, ये मेरे उस्ताद जाके बाय रोड लाए, बहुत शौकीन है। अली वाली कबूतर का 8वां या 9वां पर लाल होता है। अच्छा, ठीक हो गया जी, देखते हैं, अभी तो वो उन्होंने पट्टा दिखाया। ले जी फिर ये देखें कबूतर, ये 35 वाले, ये नाम के नहीं है, काम के, ये काम के भी कह रहे अली वाले का। अब्बू और दादा दिखाएं, अब्बू और दादा भी दिखाते हैं ये अली वाले कबूतर का, भी दिखाते हैं। ये 35 वाला कबूतर है जी, 35 वाला 35 वाला
ये इसकी मादा है, ये इसकी मादा है जी। अच्छा ये वाली मक्खी यहीं पे ज्यादा देखने को मिलती है, वहाँ नहीं है इतनी। ये बड़ी वाली जी ना कबूतरों में, हाँ कराची में होती है। हाँ ये मेरे कबूतरों में भी यहीं से गई है, और मैं दो कबूतर यहाँ से खरीद के लेके गया था उनमें। अच्छा जी अगर किसी के पास फकीर गुल हैं तो कल 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 आपको शौक करवाएंगे जी फकीर गुल का। फकीर गुल आज दिखाते हैं। अच्छा फकीर गुल भी दिखा। अच्छा फकीर गुल भी नहीं है, सुनी गई है। अपने अपने घर की ब्रीड है लोगों की, बिल्कुल ऐसा। आप रामपुरी देखेंगे तो लोगों के घरों में रामपुरी आपको 36 नस्ल के मिलेंगे, जितने हैं उतने। लाल डोरे में होते हैं, लाल आँखों में कबूतर में टेडी कबूतर होते हैं। कामरान भाई एलेक्स टॉम लाल आंखों में सिर्फ वो इस तरह से है कि डोरा उनके में जो है लाल होता है, क्योंकि जो टेडी कबूतर हैं उनमें ना कुछ कबूतरों का क्रॉस है। हाँ। ठीक है, क्रॉस से बने हुए कबूतर हैं। बेसिकली प्योर कबूतर तो टेडी कोई नस्ल नहीं है ना। जौंसरे जौंसरी मादा थी, मीसा कबूतर था उससे बने। उसके बाद उनमें मुख्तलिफ जो हैं उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब जो हैं उन्होंने भी उनमें अमेंडमेंट की, मुख्तलिफ कबूतर डाले, जिन जैसे कि अली वाले हो गए, सियालकोटी बटेरे हो गए, क्या कह लें कि जो लाल कामरान अब्बास नकवी। तो इस तरह के कबूतर, ये मेरी परसेप्शन है, आप लोग भी जानते हैं इन चीज़ों को। अरे मैं वो लाके दिखा रहा हूँ, ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला। मुझे बहरहाल इनके 35 वाले कबूतरों का बहुत ही मज़ा आया, और उनके जो वो थे क्या नाम था उन कबूतरों का, नसीम खान साहब के कबूतरों का बड़ा नाम उन्होंने, सुपर सोने। हर एक में भाई जी कबूतर देखो क्या ना गप्तर, समझ नहीं आई मुझे बात की। ये रामपुरियों में क्रॉस है, रामपुरियों में क्रॉस है, बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा बच्चे उड़ाते जी, ये रामपुरी कबूतरों का क्रॉस है जी। ओके चौधरी इमरान नसी साहब बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, लंदन से हमारे भाई हमारे साथ। रामपुरी कबूतरों में से ये कह रहे हैं जी, इसका क्रॉस बना हुआ कबूतर है रामपुरियों में से, लेकिन ये कि एक अच्छी चीज़ इन्होंने बनाई हुई है। इसके साथ माला कौन सी लगे, दुम का सातवां पर उसका दिखाऊंगा ना जी, दुम पूरी जो आजकल झाड़ में कबूतर है, तो जैसी होगा तो ज़रूर दिखाऊंगा। उनके घर बारल दे जो उनके कमगर कबूतर थे, उनके सबका दुम का सातवां पर ऊपर था, जिससे अली वाले बने। इस कबूतर से अली वाले बने हैं, सियालकोट से आया हुआ कबूतर है। सियालकोट से किस नाम से आया था अली वाले, सियालकोटी कह लें अली वाला कह लें। ये लें जी, ये लें, अब है अली वाला, आप लोग जानते हैं, उन्होंने दिखाया। ये लें जी, पर भी देख लें इसका। हाँ वो देखिए नमी की वजह से फ़ोन के ऊपर भी बैठ गई। बहुत अच्छा कबूतर है यार ये यानी कि मादा डाली थी उसके बाद दूसरी। ये मादा, ये किन में से, ये इसी का पता है, लेकिन मादा इसके बाद दूसरी डाली। अच्छा जी ठीक हो गया अजय चट्ठा साहब, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ कबूतर बहुत ज़बरदस्त है। कराची की कबूतरबाजी में जो चीज़ जैसे चलती है ये वैसे कबूतर हैं इनके। अब वो जो 637 पे बैठा था कबूतर वो भी ज़रूर दिखाइएगा, तो सेंचुरी के करीब है।
अब्रार भाई के कबूतर हम देख रहे हैं, छत देखें इनकी, इनकी कबूतरबाजी मुश्किल कितनी है ये देखें आप लोग। आप इधर आए जरा नुमा, ये देखें कि ये इनकी छत है, ठीक है, तकरीबन पहाड़ का हिस्सा कहलाता है ये एरिया, ये वो पहाड़ी है। और बेसिकली ये जो मेन मशहूर इलाका है कटी पहाड़ी के नज़दीक का इलाका है, सारा कटी पहाड़ी का ही इलाका है, उसके इर्द गिर्द का जो इलाका कहलाता है वो है, और पहाड़ी का शिगाफ उस साइड पर रह गया। तो ये देखें कि यहाँ पर इनको प्रॉब्लम्स होती है, आपको वहाँ पर भी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, उनमें ही लगड़ और बैरी बहुत ज़्यादा होती है, इस साइड पे चील बहुत ज़्यादा है, अगर नुमान साहब इधर ऊपर करें तो ये देखें यहाँ चीलें कितनी ज़्यादा हैं। अली वाले की आँख का डोरा लाल सा होता है, हर किसी के अपने अली वाले हैं जी। राशिद महमूद साहब, मिस्टर यूसुफ कुरैशी रावलपिंडी से, 100 क्या बात है, सेंचुरी बाज गई जी, 105 हो चुके थे हमारे जो शायकीन है इस वक्त। इस वक्त आपको वो कबूतर दिखा, ये वही कबूतर है 6:37 वाला, 6:37 पे ये कबूतर बैठा था। ये मेरे ख्याल दोबारा से खुदाई की हुई है इसकी तैयारी के लिए गर्मी के मौसम में, गर्मा में 6:37 पे ये कहाँ से कबूतर आया था कि क्या? ये हमारे मेरे दादा उस्ताद के घर की ब्रीड है, बाबर भाई के दादा। दिखाओ जी नुमान साहब, इधर करो भाई, आपको कबूतर दिखाते, नए पर निकाल रहा है, हाँ खेचे में ना, हाँ पर खेचे में तैयारी में ये बुजार। कबूतरों को सांस की बीमारी है, सांस की नहीं भाई, वो ऊपर आवाज़ आ रही है उसकी, क्या कहते हैं नहीं, वो कह रहे हैं हमारे कबूतरों को। अच्छा आपके कबूतरों को वो भी सांस की बीमारी है। उस्ताद मलिक बाबर साहब यहाँ पे हैं जी, उस्ताद इदरी समान साहब हैं, कौन सा डॉक्सोसाइक्लिन किस तरह देना, लें जी उस्ताद अब्रार साहब से, उनकी छत पे मौजूद हैं, पूछ लेते हैं जी, बताएं जी सांस की बीमारी उनके कबूतरों को प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्सोसाइक्लिन दे दिया हमने, किस तरह से देनी है बता देना, नीम गर्म पानी में, मतलब एक चम्मच दो चम्मच क्या करके, तकरीबन कितने कबूतर फर्ज करें 10 कबूतर हों तो कितनी खुराक, हम 3 कैप्सूल डालें उसे, अच्छा मग्गे में डाल के नीम गर्म पानी, अच्छा फिर उन्हें वो 15-15 सीसी दे दें, मग्गा मतलब आपके वो जो कप होता है बड़ा कप मग्गा नहाने के लिए जो, अच्छा 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 ठीक है जी, उसमें वो डाल के और 15-15 सीसी, हाँ 15-15 सीसी इंशाल्लाह ताला रात में दें और लाइटें बंद कर दें इंशाल्लाह ताला ठीक है, दो दिन में दो दफ़ा कम अज़ कम, हाँ कम से कम। ये लें जी ये उड़ने वाले कबूतर देखें इनके माशाल्लाह, ये यार ये बहुत बड़ी बात है कि एक उस्ताद फौरी तौर पर मौजूद हैं और उन्होंने फौरी तौर पर आप लोगों के लिए एक जो है नुस्खा भी बता दिया। मेरे हिसाब से तो ये भी एक तरह का सदका जारी है, किसी को मुश्किल से निकालना, ज़रा उड़ान पहचान में ये उड़ान तो दिखा दो, नज़र आ रही है, हाँ चलें उड़ कबूतर तो है ना जी, क्या बात है, हर तरह का शौक इसका मतलब आपके एरिया में, तो आपको मुश्किल का कितना सामना होता होगा, बात करेंगे खम्बे की, ये आपकी टाप कितनी होती है, टाप होती है आपके, जैसे हमारे यहाँ ऐसी एक टाप दी जाती है मतलब 100 फुट या 20-30 फुट के जी, ये इतना एरिया जो है आपका कबूतर इतने एरिया तक अंदर बैठ गया, जाल के ऊपर बैठा तो ठीक है, नहीं तो बराबर वाले की दीवार पे भी बैठ गया, अच्छा आपकी छत पे कैंसिल है, यहाँ तो उड़ना ही नहीं, जो उड़ाने वाली छत है उस पर ही रहेगी, आपकी तय में भी नहीं पूरी, क्या बात है, बहुत सख्त है आपकी, तो यहाँ पे आप दरवाजी यही है, प्रॉब्लम भी बड़ी होती होगी, अच्छा पट्टी वाले कबूतर भी हैं आपको, वो भी दिखा दें अगर कोई एक ऊपर यहाँ पर भी जोड़ा, ऊपर भी जोड़ा दिखा दें, कोई जोड़ा दिखाएं, पट्टी वाले कबूतर भी देखते हैं जी, पट्टी वालों का मुझे भी बड़ा शौक है, बड़े अच्छे लगते हैं पट्टी वाले कबूतर, देखते हैं मज़ा तो आएगा, उम्मीद करते हैं देख के। नुमान साहब इस वक्त जो है ना पूरी तरह झुलसने के मूड में खड़े हुए हैं और मुस्तकिल खंबे की तरफ देख रहे हैं, खंबे के शोर पे मुझे तो यहाँ बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है, चिल कर रहे हैं, ठंडी हवा लग रही है, सुकून माहौल, हम जब आ रहे हैं बंदा आराम से बैठे हैं, शाम को चाय शाय पिए दोस्त, शाम के बाद कराची में हमारे मौसम थोड़ा खुशगवार हो जाता है, ठंडी हवाएं तो हाँ बिल्कुल क्योंकि ठंडी हवा चल रही है, मज़ा भी आ रहा है, और क्या बात है पहाड़ी सब कमाल ही लग रही है, पाकिस्तान का झंडा सबसे ऊपर, आपको नज़र आ रहा होगा
اللہ پاک ہمارے پاکستان کو اسی طرح سر بلند رکھے، قائم و دائم رکھے۔ پٹی والے، واہ 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 واہ، آنکھیں ہی کہا کرتی ہیں سب دل کے چھپے راز۔ یہ دیکھیں جی، واہ واہ واہ، یہ کبوتر کیا بات ہے، بہت زبردست۔ یہ وہی والے، یہ پتنگی تھا۔ اچھا، اچھا ان کے بھی کوئی کپ میں آپ نے اس دفعہ حصہ لیا تھا؟ نہیں، میری ایک کے ساتھ بازی لگی تھی جس سے میں جیت گیا تھا۔ یہ کون سے کبوتر؟ یہ بھورا والا تھا، جیت گیا۔ یہ ہے میرا واٹس ایپ نمبر بابر بھائی، 0313-477-9580، 0313-477-9580 میرا نمبر ہے۔ یہ ذرا یہاں سے اس کی، بالکل یہ دیسی کبوتر ہے نا، ان کی کیسی پرواز ہے؟ بہت اچھی پرواز ہے، اچھی پرواز ہے۔ یہ میں کیا، یہ پورے کراچی والے یہ سب لائے، بہت ارے کے بارے میں تو حاجی صاحب بتائیں گے، حاجی ساتھ حاجی یہ سب۔ اچھا، ان کے پاس بھی پٹی والی، یہی والے کبوتر، یہی کبوتر برے والا۔ ابھی ان کا ماشاء اللہ ایک مقابلہ تھا، 2:37 تک انہوں نے کبوتر بٹھائے ہیں رات کے۔ ہاں بٹھائے، وہ ساتھ ہیں بھائی، سینئر آدمی ہیں بھائی۔ اچھا، یہاں میں نے سنا اوپن ٹائم شوق ہوتا ہے کوئی، کھلے ٹائم؟ وہاں کھلے ٹائم ہے، یہاں بونڈ ہے، یہاں ہمارے یہاں ہارڈ ہے۔ ماشاء اللہ جی، یہ تمام تر کبوتر ہم نے آپ کو دکھائے ہیں جناب ابرار بھائی کے۔ ابھی کوئی کبوتر ہے دکھانے والا؟ وہ کبوتر دکھاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہم یہاں سے۔ اچھا، یہ سارے کبوتر آپ کی پسند کے ہیں ابرار بھائی؟ ایک کبوتر ایسا ہوتا ہے جو بہت زیادہ، مطلب سب سے زیادہ دل کے قریب ہے؟ اچھا کامران بھائی، جو ہم تو پہلے میں فینسی کبوتر بھی پالنا تھا، جس کے وہاں کے کبوتر ہیں۔ اچھا، تو یہ میں نے دلی میں بہت لے کر آیا ہوں، پہلے بھی میں نے اتنا خراب کیے ہیں۔ اچھا، وہ اڑانے کے شوق میں آ گئے، تو پھر اڑانے والے جو کبوتر اڑ گئے تھے وہ کبوتر اچھا ہے۔ زبردست، کیا بات ہے، جو پہلا دکھائے وہ تو بہت ہی کمال ہے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی جان، لیکن نام آپ کا جو انڈین میں لکھا ہوا وہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ راج بھائی، راج باس جو ہیں، راج با بھائی جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، آج میری برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے راج بھائی، اللہ پاک آپ کو خوب ترقی دے اور لمبی عمر دے۔ یہ کن میں سے ہیں جی؟ یہ میرے فیروز پوری عمر سے، یہ نکلے ہوئے ہیں کراس میں، فیروز پوری عمر کراس کر کے انہوں نے جی یہ کبوتر نکالے ہیں، دیکھیں ماشاء اللہ۔ نودیپ سنگھ صاحب بہت شکریہ۔ سید بلال شاہ صاحب وعلیکم السلام، اور استاد فراز وعلیکم السلام۔ سر آج تو پہنچا ہوں، ادریس بھائی آج تو پہنچا۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ کو مادہ دکھائی ہے لال سے رنگ کی، اور یہ فیروز پوریوں میں سے انہوں نے کراس میں نکالی بھی ہے، یہ اس کا باپ ہے۔ یہ دیکھیں جی، پر اس کے جل گئے ہیں۔ بہرحال راشد جاپانی، خلیفہ راشد جاپانی آف کیا تھا، راول پنڈی، جو اب جاپان میں ہوتے ہیں۔ راشد بھائی دیکھیں یہ ذرا کبوتر، آپ کے بھائی نے ایسے ایک کبوتر کو لال ختم کہا تھا۔ وعلیکم السلام بابر بھائی، اور کون ہے، سید خرم شہزاد صاحب، ماشاءاللہ جی آج تو ہیپی سنڈے ہمارے لیے بھی ہیپی ہو گیا۔ یہ دکھائیں جی، یہ کیا، یہ لاہور سے لائے، یہ لاہور سے لائے جی، لاہور کس کے پاس سے لائے؟ شہری عوان صاحب آئی لو یو ٹو۔ جناب ہم نے بھی کوئی عرض کی تھی، مدثر بھائی سوری میں شاید اس وقت نہیں دیکھ سکا، دوبارہ بتا دیں میں ضرور۔ انڈیا کب آ رہے ہو؟ پہلے بھی میسج ڈالا تھا آپ کو، یار میں انڈیا
मेरा शौक़ है कि मैं वहाँ जाके भी अपने जितने भी भाई दोस्त हमें बुलाना चाहते हैं उनके कबूतरों के वहाँ पे शौक़ करवाएं। लेकिन आपको मालूम है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो आजकल ताल्लुकात हैं, अल्लाह पाक उनको खैर खैरियत से निपटाए और ये ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएं। हम तो दुआगो हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए, तो कि हमारे क्योंकि पड़ोसी मुल्क है, जो भी दुश्मनियाँ या कदूरतें हैं वो किसी न किसी तरीके से दूर हो जाएँ, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर कोशिश करेंगे फिर आने की। लेकिन फिल वक्त तो अभी कुछ मसाइल हैं। लाहौर वाले हो, आपको नाम बताने की क्या ज़रूरत है, बोलो नाम तो आपको खुद पता होगा। अच्छा जी, लाहौर वाले हैं, वो कहते हैं जी वो लाल छाप वाला जो कबूतर है लाहौर से आया, वो आपको खुद पता होगा कि वो किन में से है। यार ये किन में से अच्छी आली वाली थी, यानी जो चेंज कर दिया था पूरा नहीं हुआ, रह गया वजूद में, है ना, लेकिन रंग का बादशाह बन गया। दूर कर दो, जबरदस्त ये कौन से हैं जी? बताने की तो हमें तो जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बताएं ना आप क्या क्या कहलाते हैं हर जगह? फकीर गुलों में ये फकीर गुल करा सके, क्योंकि बाप फकीर गुल था, माँ फकीर गुल नहीं। अच्छा बाप फकीर गुल, माँ किन में से थी? नीली आंखों में से। हाँ नीली आंखों में थी, छापदार कबूतरी थी, नीली आंखों में थी। इसका भाई है, उसकी आंख वाइट आ गई। बड़ा अथरा कबूतर है यार, हाथ में टिकने का नाम नहीं ले रहा। बहुत पुराना कबूतर है। जौनसरा कबूतर अभी आपको दिखाए थे भाई जान, जौनसरा और को दिखा देंगे, दोबारा दिखा देंगे अगर कोई आया तो। नहीं जी मेरा सुमित साहब बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच। जितना भी शौक है आप लोगों के लिए, वो देखें ज़रा बच्चे खेल रहे हैं, ज़रा बचपन भी लोगों को याद हो। ये उस कबूतर का भाई है, ये भी था। नहीं जी कबूतर ज़रा गैर है लेकिन आपको पसंद आएगा, बहुत ज़बरदस्त। उस्ताद इदरीस अवान साहब शायद चले गए हैं, मुस्तफ़ा अंसारी साहब भी आ गए हैं, वो उस्ताद वकास मुग़ल सदर जांबाज इंटरनेशनल गुजरांवाला से इस वक्त लाइव हमें देख रहे हैं। राजबा भाई क्या कहते हैं, तुहाडी पसंद दा मेरी पसंद का जी, मेरी पसंद के तो सारे, मैं तो कबूतर बाज आदमी हूँ, कबूतर होना चाहिए हमारे लिए। आप यकीन करेंगे कि मेरे घर के बाहर जंगली कबूतर है, मैं उन्हें दाना ज़रूर डालता हूँ। वाह 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 जी वाह, बहुत बहुत आला, एक कबूतर बहुत ही कमाल है यार। ये भी ठीक है, वाह वाह। बारिश पड़ी है ना, बारिश का पानी लगा सारे कबूतर गिरे, बस आ जाए हम, मेरे को काफ़ी क्योंकि वो फिर लाइट का प्रॉब्लम आ जाएगा, तस्वीरें खींचनी है अभी तो। कौन सा इसकी यहाँ पे ना कुछ लगा तिल है, ये पुराना कबूतर है आपका बटेरा, ये देखें जी इसकी आंख में तिल भी नजर आ रहा होगा। कौन आया जी अभी अभी कुछ देर? साइम खान तरीन साहब, दानिश मुगल साहब, नोनी भट्ट साहब, आला जी आला, कामरान भाई आला, बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत आला सर। ये माता किससे लगाई हुई है? नर है ये, नर है।
ये पट्टी वाले कबूतर, पट्टी वाला जी, ये जाजी उस्ताद के घर के, किसके जाजी के, उस्ताद एजाज, उस्ताद एजाज अबूरे वाला उस्ताद जाजी के घर का कबूतर। हाय हाय, सलमान शाह गिलानी साहब याद आ गए। आप लोगों ने हमें इतनी देर बर्दाश्त किया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको ये शौक पसंद आया होगा उस्ताद अब्रार के घर से। और मैं आपको बताता चलूं कि मुझे कम से कम ये बड़ा जो है एक एजाज़ हासिल हुआ है कि कराची के उन शौकीन हजरात का शौक करवाया है कि जो लोग इस तरह के जो है पहाड़ी इलाकों में और इस तरह की जगहों पे हवा और पहाड़ों के दरमियान में शौक कर रहे हैं और चीलों लगड़ बैरी उनके साथ मुकाबला करते हुए शौक कर रहे हैं। बहुत शानदार कबूतर हैं इनके, अच्छा शौक करते हैं, एक दूसरे से मिलते मिलाते हैं। बहुत सी मुखालफतें कराची में हैं लेकिन उसके साथ साथ उन मुखालफतों में इनमें एक प्यार जो इनका आपस में है वो भी बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इनका शौक पसंद आया होगा। उड़ने वाले कबूतरों का शौक करते हैं, एक कबूतर आपको साथ साथ जीरा दिखाते हैं जो आखिरी कबूतर उस्ताद अब्रार साहब के घर का। तो ये देखिएगा, ये देख लीजिएगा कबूतर, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। उस्ताद राना मुन्ना साहब भी देख रहे हैं, शेरू भाई के घर का कबूतर है उस्ताद शेर मोहम्मद साहब का। अच्छा जी, वो बैरी फेंक रहे हैं ना? ओ नहीं नहीं, चील है, छोटी है इन सबसे, चील है। मैं वापस आती दिखाता हूँ, वो इस साइड से ही इनमें आ गई है, वो कबूतर फेंक रहे हैं। अभी नहीं, तू भी चीज़ें देख रहा है, ये देख इधर कबूतर दिखा। मंथली आइफ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आपका दोस्त आपका होस्ट इस वक्त आपके साथ मौजूद है उस्ताद अब्रार की छत पे और बिल्कुल कटी पहाड़ी का एरिया। यहाँ पे ये शानदार कबूतर उस्ताद शेर मोहम्मद और उस्ताद अब्रार के बाइख्तियार खलीफा मोहम्मद आरिफ साहब मेरे साथ हैं। उस्ताद अब्रार साहब, उनसे आखिरी दफ़ा एक बात पूछना चाहेंगे कि कोई एक छोटा सा पैगाम जो अपने कराची के शौकीन हजरात और पूरे पाकिस्तान के शौकीन हजरात के लिए, कोई एक लाइन। मेरा कहना है कि शौक लोग प्यार मोहब्बत से करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, इससे आना का मसला ना बनाएं और पुरसकून तरीके से भाईचारे के तरीके से ये शौक करें आप। बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया, बहुत शुक्रिया। कुछ नहीं कहें, अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया जी अब्रार भाई, बहुत अच्छा शौक था इनका, बड़ा मज़ा आया इनके कबूतर देख के और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्की दे और अगले ही सीज़न में, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ये छत को ज़रा मेंटेन करेंगे दोबारा से नेक्स्ट सीज़न तक, तो अल्लाह पाक इनके जो तमाम तर जो परेशानियाँ वो दूर करें और इनके शौक में इनका इजाफा करें। उस्ताद अब्रार, उस्ताद शेर मोहम्मद और जनाब आरिफ भाई के साथ उनकी छत से आप लोगों से मंथली हाइपलाइन पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में आपका दोस्त आपका होस्ट कामरान अब्बास इस वक्त चाहेगा इजाज़त, फिर किसी और जगह किसी और शौक और ज़ौक के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।